A very warm good evening to everybody, and thank you for taking out your time to attend this session. Today's session is important from the point of view because it touches the regular daily life of us. So whether you go to bank, whether you're buying a property, or there is a medical emergency also in the family, you require a power of attorney. नाउ मेडिकल इमरजेंसी ये तो बहुत मतलब ऐसा टर्म है कि वहां पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या जरूरत है बट आई विल कम टू दैट इट इज वेरी रेयरली यूज तो पावर ऑफ अटॉर्नी लुक्स लाइक अ वेरी रेगुलर सब्जेक्ट नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस बट इफ यू आस्क मी लीगल में पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते वी हैव टू स्टिल मीट अ पर्सन जिसने प्रॉपर्टी बहुत बाय और सेल की है और उसको जरूरत ही नहीं पड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी की विच इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी कहीं ना कहीं अटक जाता है एंड यू कैन नॉट बी प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस एट वन प्लेस बिकॉज लाइफ हैज बिकम सो बिजी एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रैवलिंग इज सो टीडियस नाउ कि मतलब जो औरंगाबाद में बैठा है वो आदमी पुणे नहीं आएगा जो पुणे में बैठा है वो आदमी मुंबई नहीं आएगा तो कैसे होगा रजिस्ट्रेशन देर में भी एज फैक्टर देर में भी सो मेनी थिंग्स तो ये सब चीजों के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी क्या हेल्प करती है तो हमेशा ये बोला जाता है कि लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लॉ इज नॉट हेल्पिंग आउट बट लेट मी टेल यू लॉ इतना सीधा और सिंपल है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट छोटा सा उन्होंने बनाया है कि जो आपको कहीं पर भी हेल्प करेगा मतलब इतनी व्हेन वी विल गो एज वी प्रोग्रेस इन दिस सेशन यू विल नो कि पावर ऑफ अटॉर्नी इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू कैन हैव इन लाइफ मे बी यू लिव 60 इयर्स 80 इयर्स बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर योर ओन प्रॉपर्टी फॉर योर ओन चिल्ड्रन फॉर योर ओन कंपनी तो दिस इज वेयर द सेशन विल स्टार्ट नाउ तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट जो नाम से प्रतीत होता है कि पावर मतलब पावर देना अपनी शक्ति देना अपना हिस्सा देना अपने अंदर का जो बोलते हैं ना कि मैं जो कर सकती हूँ वो सामने वाला व्यक्ति भी कर सकता है इट इज एज सिंपल अब अटॉर्नी मतलब एजेंट अटॉर्नी का मतलब लॉयर्स भी होता है कि मैंने मेरा अटॉर्नी जाएगा वहां पर तो अटॉर्नी का मतलब क्लर्क भी होता है अगर आप नॉर्थ में कहीं जाएंगे ये मेरा अटॉर्नी है ऐसे भी बोल देते हैं तो मतलब तो अटॉर्नी बोलते हैं मैं नागपुर में एक बार गई थी तो बोलते ये अटॉर्नी तो मैं बोली तो क्लर्क हाँ बोलते हम अटॉर्नी इसको बोलते हैं हम लोग तो अटॉर्नी मतलब एजेंट जो मेरे बिहाफ पे काम करेगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि जो आपके बिहाफ पे काम करेगा इन योर एब्सेंस एंड अब एब्सेंस ये आपके बीमारी की वजह से हो सकती है आपके ट्रैवलिंग की वजह से सकती हो मे बी यू हैव शिफ्टेड आउट ऑफ मुंबई अगर आप मुंबई में रह रहे आप दिल्ली में प्रॉपर्टी है या फिर मुंबई में प्रॉपर्टी आप दिल्ली में रह रहे हैं दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी तो दिस पावर ऑफ अटॉर्नी का एकदम डेफिनेशन बहुत क्लियर है पावर इज कन्फर्ड ऑन द अनदर पर्सन कि भाई तू मेरा ये काम कर लेना आप मेरे एब्सेंट में मेरा ये काम कर इतना सिंपल पावर दैट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी यू आर कन्फरिंग बाय वे ऑफ देन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी क्या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या नोटरी करना जरूरी है टुडे वी हैव अवर फ्रेंड नोटरी एडवोकेट कविता शर्मा हियर विद अस तो शी विल थ्रो द लाइट ऑन दैट इन द लेटर पार्ट तो लेकिन मैं छोटा सा बात बोलना चाहती हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है जो भारतीय कानून है वो कंपलसरी नहीं बोलता कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रेशन करना है एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओनली इन वन थिंग व्हेन जब प्रॉपर्टी सेल का आप अधिकार किसी को देते हो देखिए कानून कितनी आपकी मतलब आपको हेल्प करना चाहता है एक्सेप्ट सेल का अधिकार जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है अचल संपत्ति जब आप सेल का अधिकार किसी को देते हो उसको बेचने का अधिकार देते हो तो तब वो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रेशन करनी होती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में तो फिर से सुनिएगा गौर से कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब रजिस्ट्रेशन में जब सेल का अधिकार दे रहे सेल यानी आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने का अधिकार दे रहे मराठी में बोले विकण्यासाठी अधिकार देत खरीदी करण्यासाठी पावर ऑफ अटॉर्नी ला रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही आहे उसको जब आप खरीद रहे तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है नाउ लेट मी टेल यू हाउ इट इज व्हाई इट इज सो क्योंकि जब आप खरीद बेचते हैं प्रॉपर्टी तो आप अपना अधिकार बेच रहे हो और दूसरा आदमी अपने मेहनत के पैसे देके वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो कानून चाहता है कि उन दोनों को डिफिकल्टी नहीं हो ना बेचने वाले को ना खरीदने वाले को लेकिन जब वो जो खरीद रहा है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं तो भी चलेगा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि वो
जिसके लिए खरीद रहा है उसका प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है, उसके लिए संपत्ति खरीद रहा है, तो वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, सो सिंपल। लेकिन जब बेच रहा है तो आपका अधिकार जा रहा है, तो उस समय वो कोशिश करते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप कभी भी जब भी बेचो तो कानून बोलता है कि वो रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है? मोटे तौर पे 5 तरह की होती है, लेकिन जो रेगुलर रेंडमली यूज की जाती है वो सिर्फ होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। मोटे तरफ के 5 तरफ की होती है, आई विल कम टू दैट रेस्ट 3 ऑल्सो। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी होती है कि मैं जा रही हूँ औरंगाबाद और मेरा बैंक अकाउंट दिल्ली में है, या मेरी कोई प्रॉपर्टी है जहां मेरे को वो रेंट पे डालनी है, अभी रेंट वाला आदमी मिला नहीं है, उस समय मैं देकर चली जाऊंगी, हो सकता है मेरी बहन को देकर चली जाऊंगी, मेरे और प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, तो मेरे एब्सेंट में रेंट पे कैसे जाएगी वो प्रॉपर्टी? हो सकता है कोई ऐसी चीज हो कि जो इम्पोर्टेंट चीज हो कि मेरे बिया पे कंपनी का कुछ काम करना है जो मेरे बिना चल ही नहीं सकता, लेकिन मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती हूँ। हो सकता है कोई केस फाइल करना है, तब क्या जरूरत होगी? तब पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत होगी। तो इतना सिंपल है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपका लाइफ सिंपल करता है। इस बात का ख्याल रखना कि पावर ऑफ अटॉर्नी इज टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज वेरी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। अब ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया जो किसी भी काम के लिए जरूरत है, बैंक अकाउंट के लिए, मतलब मेरे एब्सेंट में मेरे भाई या मेरे हस्बैंड या जो भी मतलब मेरे रिश्तेदार है या मेरा दोस्त भी है, मेरी सहेली भी है, मेरी बेटी भी अगर वो 18 साल के ऊपर है तो मैं उनको भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती हूँ, मेरी सास को दे सकती हूँ, मेरी मदर को दे सकती हूँ, एनी ऑफ द रिलेटिव, एनी ऑफ द फ्रेंड्स यू कैन गिव द पावर ऑफ अटॉर्नी इन योर एब्सेंस। दिस इज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसका कोई खास ये नहीं है, वो आपके बिहाफ पे कुछ भी उसमें आप कुछ भी लिखवा लो जो आपको लगता है कि आपके एब्सेंट में ये काम होने हैं, वहां पर आप 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, दिस इज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब होती है एक दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल नाम से ही प्रतीत होगा कि वो सिर्फ स्पेशल कामों के लिए होते हैं। अब स्पेशल काम क्या हो सकता है, आई विल गिव वन एग्जाम्पल। मेरे पास एक केस आया था, मदर यहाँ पर थी और बेटा यूएस में रहता था, तो बहुत समय पहले की बात है, सब जूम मीटिंग्स वगैरह नहीं होती थी, वो सिर्फ फोन पे बात किया कि मैं आ नहीं सकता, लेकिन जब केस बोर्ड पे लगेगा, हियरिंग के लगेगा, तब मैं आऊंगा। तो केस कौन फाइल करेगा? तो बोले मेरी मदर फाइल करेगी। तो हमने उससे मदर उसके मदर के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी मंगाई और हमने डिवोर्स केस फाइल किया। सो इट इज पॉसिबल। एक और मेरा केस था जिसमें फादर यहाँ पर थे जो पोस्टमैन थे और वो बेटी शादी करके यूएस चले गए थे, लेकिन वहां से बोली मेरा जम नहीं रहा है। तो डिवोर्स फाइल करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है, लेकिन नॉर्मली वो इमीडिएट जो अपने रिलेटिव से उनको देते हैं, दोस्तों को देंगे, तो वो ऐसे नहीं कि वो इलीगल है, इनवैलिड है, वो भी वैलिड है, लेकिन जब भी आप जब इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो ऐसा, तो उस समय वो हो सकता है कि वो कोर्ट भी बोलता है मदर ने फाइल किया है, क्योंकि कोर्ट भी ना बारीकी से देखता है पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि आप डिवोर्स ले लेंगे, डिवोर्स फाइल करें, तो ये लाइफ का मेजर डिसीजन है। दिस इज स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए भी होती है कि कोई केस फाइल करना, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बताया मैंने, कोई चेक बाउंसिंग का केस फाइल करना उसके लिए। अब कोई कंपनी है वो उसका डायरेक्टर थोड़ी आएंगे, एमडी थोड़ी आएंगे, तो किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ओनली फॉर दैट पर्पज दे देते। तो स्पेशल का सिंपल है कि आपने स्पेशल काम के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी टू परचेज दी प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इतना सिंपल, दिस इज ओवर। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और हो गई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। थर्ड है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब क्या होता है? टिकाऊ। ड्यूरेबल का शब्द का मतलब ही टिकाऊ है। जैसे हम लोग बोलते हैं सोप है, साबुन है, ड्यूरेबल से एडवर्टाइजमेंट आता था। अब पावर ऑफ अटॉर्नी ड्यूरेबल कैसे हो सकती है? पावर ऑफ अटॉर्नी ड्यूरेबल ऐसे समझे जब मेडिकल इमरजेंसी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं, फादर उनके नाम की प्रॉपर्टी है, और हो सकता है ऑपरेशन इतना बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, जटिला है, कि उस समय पॉसिबिलिटी है कि फादर को अगर कुछ हो जाए और उनको फिर रिकवर होने में समय लगे, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? तो ऐसे समय में ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। जो अगर देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी का एक और पहलू है जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी पहले मैं समझाना चाहती हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप अपने लाइफ टाइम में दे सकते हैं, और जो वील होती है वो आपके मरने के बाद शुरू होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी जिंदा है। अगर मैंने आज पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे गई और मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा पावर एंड हो जाता है, क्योंकि मैं
जिंदा नहीं हो, मैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं हो, तो जो जिंदा लोग है कॉम्पिटेंट है वो ही लोग पावर बटन दे सकते हैं। ऐसे नहीं कोई पागल व्यक्ति पावर बटन दे सकता है, कोई माइनर व्यक्ति भी पावर बटन नहीं दे सकता। लेकिन कुछ सालों पहले, क्योंकि पावर बटन का जो ये है 1882 का कानून है 1882 का, तो उस समय जो लेडीज के लड़कियां होती थी उनकी शादी बहुत छोटे बचपन में हो जाते थे, तो जो मैरिड लड़कियां है वो माइनर होती थी उस समय, उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी ली जाती थी। लेकिन उस समय कानून इतना सख्त नहीं था माइनर के बारे में भी, तो जो माइनर वाइफ होती थी उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देने का अधिकार था अगर वो मैरिड है तो। तो यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी वही लोग दे सकते हैं जो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट कौन है? जो जिनका माइंड साउंड है, हेल्थ ठीक है, मतलब हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ ठीक है। ऐसे नहीं कि हाथ पैर अगर एक्सीडेंट कटा है तो वो पावर बटन दे सकता है। इवन ब्लाइंड आदमी भी पावर बटन नहीं दे सकता है, लेकिन उसका अलग तरीके से एक प्रोसीजर है जो अभी तो काफी डेवलपमेंट्स आ गई है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में बहुत डिफिकल्टी थी। लेकिन अभी तो मतलब कोई भी व्यक्ति दे सकता है, इफ यू नो मेंटल साउंड है आपका, मेंटली आप साउंड हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे आप दे सकते हो। दूसरा एक अभी ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे होता है कि मैंने जैसे बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे ही कोई पागल व्यक्ति या सिजोफ्रेनिक व्यक्ति या जिनका मेंटली वो साउंड है वो नहीं दे सकते। लेकिन आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुका है और वो हॉस्पिटल जाने से पहले देता है और वहां पर वो कोमा में चला जाता है, उस पावर बटन का क्या होगा? तो इस ऐसे समय में जो लॉयर्स है वो एडवाइस करेंगे ड्यूरेबल पावर बटन बनाए कि इन कैपेसिटी ऑफ दी जो पावर देने वाला है डोनर, अगर वो पावर देने के बाद अगर वो कोमा में चला जाए तो भी वो पावर बटन नहीं, जब तक वो जिंदा है वो कंटिन्यूस रहेगी। अनलेस कोई कोर्ट के सामने बहुत पेचीदा मामला है कि किसने चीटिंग करी है तभी वो पावर बटन, तो ड्यूरेबल पावर बटन कंटिन्यू होती है। अच्छा, कुछ ऐसे राज्य है जिसमें स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर बटन भी बोलते हैं हमारे देश में। तो अभी स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर बटन क्या होती है? वो होती है कि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो बाहर आते हो, हॉस्पिटल जाते हो बाहर आते हो, ये सिंपली ये चीज है कि कई बार आप जाते हो तो वो थोड़े समय के लिए रहती है और फिर एक्टिवेट होती है, मतलब आप वापस आओगे तो खुद काम करोगे, ये एक ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई। एक और होती है और स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर बटन हो गई। पांचवी पावर नहीं, इरिवोकेबल पावर बटन में। अब इरिवोक मतलब ये कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब जब आप कैंसिल नहीं कर सकते किसी पावर ऑफ अटॉर्नी को तो वो इरिवोकेबल हो गई। इरिवोकेबल का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगी कि जो मुंबई है वो पहले अभी भी इनफैक्ट बहुत चौल सिस्टम से भरा हुआ था और वो जो रूम्स होते थे चौल के उनका कभी कभी कोई वाली भी नहीं होता, कोई मालिक भी नहीं होता था, और अगर टेनेंट और ओनर है तो ओनर बेच नहीं देते या फिर 30% या 40% मांगते थे या कई बार मतलब वो जो ओनर है वो बेच नहीं देते। तो उस समय पीओए का यूज होता था कि पावर बटरनी से लोग एक दूसरे को जमीन बेचते थे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन तो होती नहीं है, जो चौल के जो फ्लैट चौल के जो रूम्स होते हैं उनकी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। इसलिए कभी भी अगर आप लॉयर के पास जाओगे तो वो बोलेंगे इरिवोकेबल पावर बटरनी बनाएंगे अगर चौल का घर है तो, क्योंकि बेचते तो है ही लोग, व्यवहार तो होता ही इतने सालों से। मैं खुद मतलब देख रही हूँ कि मैंने कई बार देखा है कि चौल का रूम कैसे बेचते लोग, पावर बटरनी के थ्रू बेचते हैं, एफिडेविट बना देते हैं, लेकिन वो पावर बटरनी इरिवोकेबल पावर बटरनी बनेगी, मतलब उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बेची जाती है फॉर कंसिडरेशन। इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसों के लिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपने पैसे भी ले लिए और फिर पावर बटरनी भी बैठे बैठे कैंसिल कर दी। नॉर्थ के कुछ, मैंने जब ये पढ़ाई कर रही थी तो नॉर्थ के कुछ राज्यों में तो विल भी बना लेते हैं सिर्फ उस प्रॉपर्टी की, मतलब आपने पावर बटरनी से वो रूम खरीद लिया, फिर रजिस्ट्रार के पास तो उसकी चौल का रूम है इसके लिए उसका कोई लिखा पढ़ी है नहीं, तो अब वो क्या करेंगे कि वो लोग बोलते उसका विल भी बना देते उस व्यक्ति का जिसने ये प्रॉपर्टी बेची सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरे बाद एक्स वाई जेड को मिलेगी, एक्स वाई जेड मतलब जो परचेसर है उसी को मिलेगी। तो ये पांच प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी, इस पांच प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी आपको समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ वो डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने केस फाइल कर दिया, आपने बिजनेस कर लिया, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, ये आपको बीमारी में काम आ सकती है। हो सकता है कोई पेरेंट्स ओल्ड हो वो रजिस्ट्रेशन तक नहीं जा सकते, उन्होंने अपने बोलते ना अच्छे दिनों में जब वो अच्छे भले चंगे थे तब उन्होंने कहीं गांव में प्रॉपर्टी लिए, बड़ा प्लॉट खरीद रखा है। अब मेरे पास एक केस था वो 80 इयर्स ओल्ड थे, 85 इयर्स, दो लोग हस्बैंड वाइफ, वो तो बोलते बेड रिडन है, वो पूना तक नहीं जा सकता है,
मैंने बोला उनको कार में डिलीवर थे, पॉसिबल ही नहीं। फिर उनकी पावर अटॉर्नी यहाँ मुंबई में हमको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी और फिर पूना उनके बेटे और बहू ने जाके बेचे। तो ऐसे भी कुछ वाकयात है जिसमें लोग मतलब 4 घंटे का भी सफर नहीं कर सकते क्योंकि 80-85 ईयर्स में उन्होंने ले लिया। मैंने जब इस लेक्चर की घोषणा की थी तो मुझे कुछ लोगों ने ग्रुप में कहा था कि विल का भी मैटर इससे रिलेटेड ही लेना, तो मैं विल का भी लेक्चर लूंगी, थोड़ा मुझे समय दीजिए, हो सकता है हम ट्यूजडे को भी करें, डिपेंड हाउ दिस वर्क्स आउट। तो जो विल है वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद शुरुआत होती है और जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो व्यक्ति के जीव जब वो जिंदा होता है उस समय शुरुआत होती है। तो दिस इज सिंपल, पावर ऑफ अटॉर्नी का इतना सिंपल चीज है। नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी का हम एक लीगल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि लीगल एस्पेक्ट में मतलब लीगली कितना है। एक एग्जांपल मैंने दिया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में डिवोर्स के लिए हम पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल कर सकते हैं कि वो आजकल बच्चे बाहर होते हैं, माँ बाप यहाँ होते हैं, शादी करके वो बाहर चले जाते हैं, फिर नौकरी छोड़ के वो इतना दिन केस के लिए आ नहीं सकते भारत देश में, तो उस समय उनके पेरेंट्स उनके थ्रू या फिर उनका कोई करीबी दोस्त या करीबी रिश्तेदार, दोस्त से अच्छा रिश्तेदार होगा क्योंकि पर्सनल मैटर बीइंग कोर्ट जब एंटरटेन करेगा जब आप उसके करीबी रिश्तेदार हो, मोस्टली ऐसा नहीं है लेकिन अब फिर भी करीबी रिश्तेदारों को इसमें एंटरटेन किया जाएगा क्योंकि फिर वो पावर को उसको बहुत बारकाई से देखा जाता है कि कोर्ट के भी जिम्मेदारी होती है, कोई नहीं तो कोई किसी के बिया पे डिवोर्स फाइल करके डिवोर्स ले जाएगा, वैसे नहीं होना चाहिए, उसके पीछे वो उद्देश्य है। दूसरा है चेक बाउंसिंग केसेस जो होते हैं हमारे यहाँ, उसमें आप मोस्टली पावर ऑफ अटॉर्नी यूज होती है। अब इसमें एक जब पावर ऑफ अटॉर्नी जब यूज होती है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए। Whenever you are filing a case in check bouncing cases में power of attorney, तो कोशिश कीजिए कि जब आप complaint बनाए उसमें पूरा details डालिए कि जो power of attorney holder है उसको पूरे transaction की मालूमात है। In case complainant जो original फिरियाद है वो नहीं आ पाया तो ऐसे समय में क्या करेंगे, तो ऐसे समय में इनका हमें help मिलेगा कि वो transaction उनको पूरी complete मालूमात है। हो सकता है वो partnership firm हो, companies भी होती है, companies में I personally prefer a resolution क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कंपनी ऑथोरिटी देती है, वो ऑथोरिटी ऑथोराइज करती है, तो कंपनी में जो डायरेक्टर्स का बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं वो उनकी मीटिंग होती है और वो रिजोल्यूशन पारित करके ये बोलते हैं कि फला फला आदमी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी केस फाइल करेगा, वकालतनामा फाइल करेगा, ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू रिसीव मनी, टेक समन्स, एग्जीक्यूटिव वारंट्स, गो टू द पुलिस स्टेशन, अपॉइंट लॉयर्स, न्यू लॉयर्स, रिसीव मनी, पे फाइन, बहुत सारी चीजें होती है। ये क्रिमिनल मैटर फाइल करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन जब सिविल मैटर आता है तो सिविल में एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन मिला है। सिविल में आप आर्बिट्रेशन के मैटर्स है या सिविल केस में सूट्स फाइल कर रहे हो तो आप उसके बिहाफ पे मतलब थोड़ा इजी है क्योंकि सिविल में जो नेचर है इट इज नॉट पनिशिंग, वो पनिशमेंट है लेकिन एग्जीक्यूशन एनफोर्समेंट वो बहुत डिक्री के बाद किया जाए, वंस डिक्री इज पास उसके बाद की बात आती है। तो सिविल में पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू केसेस या सूट्स फाइल करना इज मच इजियर देन द क्रिमिनल मैटर्स क्योंकि सिविल में इतना डीप नहीं है, इट इज मोस्टली ऑन द डॉक्यूमेंट्स, बट व्हेन इट इज ऑफ अ क्रिमिनल नेचर तो पावर ऑफ अटॉर्नी को बहुत बारकाई के देखा जाता है। तो सिविल सूट्स में या कंपनीज के बिहाफ पे रिट पिटीशंस फाइल करनी है, आपको केसेस फाइल करने हैं। नाउ आई विल स्पीक अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केस में ऐसा होता है कई बार कि जो बेटा है या फिर घर वाले हैं वो लोग अंदर जेल में होते हैं, तो अगर गुजरात का केस है, महाराष्ट्र का केस है, आंध्र प्रदेश का केस है तो एवरीबडी कैन नॉट ट्रेवल टू दिल्ली, तो उसके लिए भी एक सिस्टम है और वो आदमी जेल में है तो उसका वकालतनामा वहां से लाएंगे, जेल में उसका स्टैम्प लगाएंगे, इतना सब आसान नहीं। तो ऐसे समय क्या किया जाता है कि जो उसका उसको पैरोकार ये वर्ड बोला जाता है, उसका जो पैरोकार है उसका नेक्स्ट जो कीन है वो भी बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के भी वो फाइल कर सकता है केस, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि मैं उसका पैरोकार हूँ, उसके बिहाफ पे। मोस्टली उसके रिलेटिव्स होते तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक आपको कुछ तो कागज का मतलब ये बोलते हैं ना मतलब चिट्ठी डालना जरूरी है उसमें कि आई एम एंटाइटल ऑन हिज बिहाफ, दिस इज अनदर डीप केस ऑफ पैरोकार। बट आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोई जेल में है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिहाफ पे उसका सिग्नेचर भी नहीं ले सकते कई बार, तो उसका पैरोकार भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी ये सिस्टम कायम है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये होता है, इन दो कोर्ट का मेरा पर्सनल अनुभव है कि पैरोकार भी फाइल कर सकता है इवन इन क्रिमिनल केस। सिविल केस में तो इतना कंपलसरी नहीं है, बट देन ऑल्सो द मेन रीजन बिहाइंड इट कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर लिखित में होगी तो इट विल हेल्प बी हेल्पफुल टू यू।
दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पावर ऑफ अटर्नी. नाउ पावर ऑफ अटर्नी का दे कौन सकता है? तो एज सेड यू शुड, आप प्रॉपर्टी के ओनर है. ऐसा नहीं कि आपने अपने पड़ोसी के प्रॉपर्टी दे दी है या किसी आपके भाई या बहन की प्रॉपर्टी दे सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लैट है वो फादर के नाम पर था, फादर एक्सपायर हो गए, अब मदर के नाम पे नॉमिनी की तरह से उनका नाम आ गया, लेकिन वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकती. वो सिर्फ अपने हिस्से की पावर ऑफ अटर्नी दे सकती है क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से वो उनकी वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी की, वो नॉमिनी है. जैसा अमित इसरानी सर ने पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि नॉमिनी ये ओनर नहीं होता है. नॉमिनी के नाम पे फ्लैट हो जाता है बिकॉज अदर पीपल आर कंसेंटिंग. जो वाही का जजमेंट है वो डिफरेंट है. जो उसका जो वी टॉक अबाउट नॉमिनी ये प्रतिनिधि है. हो सकता है कहीं पर मैं, जैसे अगर मैं किसी कहीं पर जाती हूँ तो वहां पर मैं अपनी फैमिली का प्रतिनिधि करके जाती हूँ और मैं उनके बिहाफ पे सारा कार्य करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सर्वे सर्वा अपनी फैमिली की. तो सेम थिंग हैपेंस इन पावर ऑफ अटर्नी ऑल्सो. क्या पावर ऑफ अटर्नी पे जब आप ओनर है तभी आप दे सकते हैं. आप ऐसे नहीं कि किसी को किसी और की प्रॉपर्टी का, अगर फादर के नाम पे प्रॉपर्टी, फादर एक्सपायर हो गए और मदर है, तो मदर पावर ऑफ अटर्नी नहीं दे सकती अनलेस वो और उसके दो बच्चे हैं, समझे दो बेटे हैं उसके, तो वो दो बेटे वो तीनों मिलके पावर ऑफ अटर्नी दे सकते उस प्रॉपर्टी की. तो मदर अपने शेयर हो सकता है वो दे सकती पावर ऑफ अटर्नी का कि अपने, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो डिविजन या पार्टीशन नहीं हुआ है तो शी कैन नॉट अलोन गिव दैट, मतलब अपना पावर नहीं दे सकती क्योंकि फ्लैट एक यूनिट है, अभी भी पार्टीशन लीगली हुआ नहीं है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. दूसरा, पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनाई जा सकती है? स्टैम्प पेपर पे बनती है. ये अलग 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 राज्यों में अलग अलग उसका स्टैम्पिंग होता है, लेकिन जो महाराष्ट्र का है मोस्टली वो 100 है एंड 500 है. एंड जो प्रॉपर्टी हम लोग सेल करेंगे, अब मैं आपको बता भी देती हूँ उसका एक तख्ता भी है कि आप डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 100 रुपीज है, और लीगल केस है नॉर्मल जो आप कर रहे हैं जनरल तो 100 रुपीज ही है, लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने नियर रिलेटिव को इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो 500 रुपए का होगा. और कभी कभी आप जब जमीन जायदाद बेचते हैं उस समय वो 3-5% आपको कोर्ट फी भरनी पड़ेगी. समझिए आपकी प्रॉपर्टी पुणे में है और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट का समय ले रहे हो, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स का, उसकी मशीनरी आप यूज कर रहे हो, तो वो डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस. ग्राम पंचायत में कुछ कम होगा, शहरों में मतलब सेमी अर्बन भी होता है कई जगह पर, और पूरा रूरल अर्बन भी होता है, ग्राम पंचायत भी होता है, तो 3-5% के पर वो प्रॉपर्टी के वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगी जो आपको भरनी पड़ेगी. अच्छा, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये जो पावर ऑफ अटर्नी होती है लीगली कितना इसका मतलब वैल्यू कितना है. दो कानून के तहत मैं बताना चाहूंगी. एक इंडियन एविडेंस एक्ट है सेक्शन 85. इतना पावरफुल है वो ये बोलता है, मतलब पावर ऑफ अटर्नी की वैल्यू आपको इसी से समझ में आएगी. वो बोलता है कि जब भी आप पावर ऑफ अटर्नी देते हो तो कोर्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि ये पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है या इनवैलिड है. सो सेक्शन 85 बोलता है कि ऑथेंटिकेटेड है और कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम कि दिस पावर ऑफ अटर्नी इज गिवन प्रॉपरली एंड इज प्रॉपरली नोटराइज. ये सिंपल चीज है. तो सेक्शन 85 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको मालूम होना चाहिए. दोज हु आर लॉयर्स हियर उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक चीज है. अच्छा, दूसरा सिंपल पब्लिक के लिए बोलना चाहूंगी कि एक सेक्शन 202 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो क्या कहता है कि जब भी पावर ऑफ अटर्नी कंसिडरेशन के लिए दी जाती है, वो सेम इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी की बात आ गई. जब भी आप कंसिडरेशन के लिए, पैसों के लिए बदले में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है और आपने पैसे दे दिया है, अगर वो पावर ऑफ अटर्नी दे दी है उसको कैंसिल करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, एक्सेप्ट आप कोर्ट ऑफ लॉ को सामने जाए और आप बताए कि वहां पर चीटिंग या कुछ फ्रॉड हुआ है. तो ये दो सेक्शन बहुत इम्पोर्ट, दो जो कानून के प्रावधान है बहुत इंपॉर्टेंट. आई विल रिपीट इट फॉर लॉयर्स हियर. सेक्शन 85 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 202 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इन चीजों को आप जो लॉयर से उनके लिए स्पेशली बोलूंगी कि आप प्लीज इनका ध्यान रखिएगा. नाउ पावर ऑफ अटर्नी के लिए आप कौन कौन सी चीजों में पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं. एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स मैंने बता दिए कि उसके लिए दे सकते हैं, लेकिन जो कम नॉर्मली जो एक रेंडमली एक चार्ट है वो आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन है.
सपोज मेरी पार्टनरशिप फर्म है एंड आई एम नॉट अवेलेबल ऑलवेज हियर, मेरे कुछ और भी बिजनेस है, मेरी 5-6 पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती, तो क्या हर बार मैं नहीं होगी? तो मैं किसी पार्टनर को या किसी और को, मेरे रिलेटिव को या मेरे दोस्त को, उसको पार्टनरशिप फर्म में मैं बोलूंगी कि आप मेरे पार्टनर्स बन के ये काम करोगे और यू विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ, तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी हम दे सकते हैं। देन कमर्शियल ट्रांजेक्शन में आप ऐसे भी हो सकते कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है। कई बार होता है कि वाइफ के नाम पे सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन वाइफ हाउस वाइफ ही है, वो कभी भी जाती नहीं है जहां पर, वो मतलब वो बैंक नहीं जाती है, वो किसी से व्यवहार करने नहीं जाती है, वो नेगोशिएशन करने नहीं जाती है। तो ऐसे समय सोल प्रोप्राइटरशिप वो अपने हस्बैंड को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है, अपने ब्रदर को दे सकती है, अपने बेटों को दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप वाइफ की होती है और हस्बैंड चला रहता है, तो ही इज रनिंग इट थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज अभी यही कमर्शियल ट्रांजेक्शन में जाएगा, उसमें कंपनीज में जो कंपनीज होती है, अब वो कंपनीज ऐसे तो नहीं है कंपनी, वी हैव कंपनी जिनका टर्नओवर करोड़ों, मतलब कई करोड़ों में है। अब इनको, उनको हाईली इम्पॉसिबल है कि वो हर जगह जाए। टाटा ले लीजिए, बिरला ले लीजिए, अंबानी ले लीजिए, दे कैन नॉट, दे आर नॉट सपोज टू गो एवरीवेयर, लेकिन दे ऑल्सो मे बी बाइंग दी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बाय के लिए रिजोल्यूशन लगेगा, लेकिन पावर बटन नहीं भी लगेगा, जो उसको बहुत ही मान्यता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहां हम प्रॉपर्टी खरीदने आते। तो ऐसे समय हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, तो ऐसे समय पावर ऑफ अटॉर्नी काम आती है। इन कंपनीज ऑल्सो वी नीड फॉर फाइलिंग केस, आई विल टेक द रेजोल्यूशन, बट वेन बाइंग अ प्रॉपर्टी, अगर मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, ऐसे लॉ ऑफिसर मैं उनको बोलूंगी कि इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए टू परचेज दी प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वहां भी काम आएगी। दिस इज कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ एजेड लोग हैं, उनकी सिग्नेचर हमेशा बदलती रहती है, लेकिन उनका म्यूचुअल फंड है, उनका कुछ हो सकता है, उनको शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, तो अभी तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ समय 5 साल पहले इतना ऑनलाइन नहीं था, डीमेट अकाउंट वगैरह आज मेरे ख्याल से 10-15 सालों से हो गए, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा समय से भी हो, लेकिन सारी चीजें ऑनलाइन नहीं होती थी, तो उस समय भी पावर ऑफ अटॉर्नी इन्वेस्टमेंट के लिए काम आती थी कि अगर हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो, उस समय वो हर चीजों पे तो अंगूठा नहीं लगा सकता था, तो उसका वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देता था। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, बैंक में एफडी रखने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट में सारा कुछ कवर हो जाएगा, उसका इंश्योरेंस निकालने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है। आपको आपका घर इंश्योरेंस में डालना है, आपकी बाइक इंश्योरेंस में डालनी है, आपकी कार इंश्योरेंस में डालनी है, हो सकता है आप नहीं जा सकते, आप कहीं पर बाहर हो, या फिर आप बाहर जा रहे हो और यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, तो जनरल पावर अटॉर्नी में ये सारी चीजें भी उस समय लिखी जाती थी और आज भी लिखी जाती है। जो अच्छा लॉयर होगा वो ये सारी चीजें लिखेगा, वो क्लाइंट से पूछेगा कि आपके एब्सेंट में कौन कौन से काम आपके अटक जाएंगे, तो वो सारे काम यहाँ पर उनके बिना हो जाए, तो ऐसे समय में वो पावर अटॉर्नी यूज होगी। नाउ एक और चीज है कि जो कई बार होता है होम लोन लेना होता है, हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया है, ऐसे समय में वो पैसे तो भेज देता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी परचेज के लिए भेज देता है, वहां पर से इंडियन हाई कमीशन के सामने जाके वो सिग्नेचर कर देगा, वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ आ जाएगी, नोटरी करने की भी जरूरत नहीं है दूसरे देश से। लेकिन वो जो लेडी है, अब उसको लोन भी लेना है, क्योंकि उन्होंने पैसा, समझो 1 करोड़ का फ्लैट है, उन्होंने 50 लाख भेजा, वो 50 लाख कहाँ से लोन उठाएगी? तो बैंक तो उस व्यक्ति को जानती नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया है, तो ऐसे समय में आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेज के वो अपनी वाइफ को लोन लेने के लिए बोल सकता है और उनका घर वो खरीद सकते हैं। तो देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी का कितना काम है, मतलब हम कितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कामों के लिए। देन सोसाइटी के जो मैटर्स होते हैं, अगर कहीं पर हमने कहीं और प्रॉपर्टी ले रखी है और जब सोसाइटी मैटर्स है, हो सकता है उनको नेगोशिएशन करना है, कुछ उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, कुछ बात करनी है, कुछ आप एसोसिएट मेंबर भी नहीं हो, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? पावर ऑफ अटॉर्नी होगी तो आप सोसाइटी में लीकेज का काम है, रिपेयरिंग का काम है, ऐसे समय में आप क्या करोगे? क्योंकि जब चौल का या घर का अपने बंगले का काम करेंगे तो आपको कोई रोक टोक करने आएगा नहीं, लेकिन आप जब फ्लैट में रिपेयरिंग का काम करेंगे, हो सकता है सोसाइटी बोलेगी आपके पास क्या अथॉरिटी है,
या फिर वो जो कारपेंटर अंदर घुसेगा या फिर जो पेंटर अंदर होगा उनको भी परेशान करेंगे, सोसाइटी है, तो उस समय आप क्या करोगे? आप कहीं दूर रह रहे हो, 5-6-8 नासिक में फ्लैट है, तो ऐसे समय में भी आप आपके वहां के पड़ोसी को पावर अपन देके वहां रिपेयरिंग का काम शुरू करवा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन एक और चीज है ट्रस्ट। कई बार ट्रस्ट बनता है तो अभी जो ट्रस्टी होते हैं नॉर्मली उनका एज 70-80 में होता है। अब ऐसे समय जब वो ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट अभी वो तो हर जगह नहीं जा सकते, वो ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करना, उसे तो उन पर केस भी फाइल हो सिविल में, आर्बिट्रेशन में रहो, ट्रस्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस भी होते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन होता है, वहां जाएंगे तो सारा काम वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय क्या होगा, ऐसे समय वो पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्टीज भी दे सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी अछूती नहीं है अपने लाइफ से, वो हर जगह काम आएगी। इट मे बी वन पेज, पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई लैंग्वेज भी जरूरी नहीं कि वो अंग्रेजी हो, वो हिंदी हो सकता है, वो कोई और लैंग्वेज, अगर हम साउथ में है तो वहां की कन्नड़ लैंग्वेज भी हो सकती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन जब भी वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है, अगर वो एक बार मेरे पास केस आया था कि बैंगलोर की पावर ऑफ अटॉर्नी तो वो मेरे ख्याल से कन्नड़ लैंग्वेज में, तो हमने उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन कराया था। तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन भी होता है और वो जो लॉयर होता है उसको ये भी देना पड़ता है कि एफिडेविट की ये ट्रांसलेशन मैंने किया है और जो मेरे कहने के अनुसार मैंने वर्ड टू वर्ड वैसे ही किया है। तो ये सारी चीजें भी होती है पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन वो किसी भी लैंग्वेज में बनाई जा सकती है, प्रेफरेबली हिंदी इंग्लिश या मराठी होती है, जो हिंदी इंग्लिश पूरे देश में चल सकती है, मतलब कहीं पर भी हाईकोर्ट में भी हिंदी पढ़ ली जाती है। लेकिन साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ हिंदी मराठी पढ़ना बहुत मुश्किल है, हाईकोर्ट लेवल इफ द जजेस आर नॉट अवेयर अबाउट। तो इंग्लिश बेसिक चीज है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, तो हिंदी मराठी या जहां का लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का आपको अधिकार है, राइट है। इट्स नॉट सिंपल।